हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। तो कल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस जो है हम करने वाले हैं आज। कल के लिए मार्केट कैसा रहने वाला है और कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं इंट्राडे के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी का हम चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे, मैंने 3-4 दिन से जो है एनालिसिस वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था उसका जो टारगेट है हमारा अचीव हो चुका है। यहाँ पे अगर देखोगे आप, मैंने इसे हाइड किया है, अभी मैं उसे ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो पैटर्न फॉर्म हुआ था, मैंने पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि उसका टारगेट जो है यहाँ तक हो सकता है 22,140 का। तो हमें वो टारगेट मिल चुका है, अचीव हो चुका है वो टारगेट, उससे भी ऊपर मार्केट गया है। तो यहाँ पे अभी एक इंटरेस्टिंग बात ये है, अभी देखो मार्केट जो है अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और जो रैली आई है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं बोल सकते, करेक्शन एक मार्केट के पास जो पेंडिंग है वो कभी भी आ सकता है मार्केट। तो सबसे पहले हमें तो इंट्राडे में उसका जो टर्न अराउंड होगा इंडेक्स, तो हमें पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मार्केट बेंड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कल ही करेक्ट हो जाए, क्योंकि जो इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है इंडिया में, मोदी जी का जो इम्पैक्ट है अभी तक, वो जब तक इलेक्शन के रिज़ल्ट नहीं आएंगे तब तक ये रैली मेरे हिसाब से तो भी कंटिन्यू रहने वाली है, मार्केट बुलिश रहने वाला है। अगर मार्केट को गिरना ही है तो मार्केट को कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट होने चाहिए, कुछ न्यूज़ होनी चाहिए मार्केट के पास कि मार्केट गिरे। तो अभी तक ऐसी कुछ नेगेटिव न्यूज़ तो अभी तक नहीं है मार्केट में। तो अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट को ट्रिगर तो चाहिए होगा गिरने के लिए। तो देखो अभी ये मंथ अभी क्लोज होने वाला है, ज़्यादा दिन तो नहीं बचे मार्केट को क्लोज होने के लिए, मंथली क्लोजिंग जो है हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, एक मिनट, ये मंथली कैंडल अगर देखोगे तो अभी तक तो बुलिश लग रही है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो डोजी है, डोजी के बाद अगर अक्सर आप देखोगे यहाँ पे एक डोजी बनी थी, तो वहाँ से जो है एक ट्रेंड डिसाइड होता है, वहाँ से एक इधर अपसाइड जाएगा, इधर डाउन साइड जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखोगे ये भी कभी ना कभी एक टॉप हुआ था मार्केट का, तो उसके बाद ये डोजी बनी, फिर कंटिन्यूशन में रैली, अपसाइड रैली हमें देखने मिली। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 3 डोजी बनी थी, उसके बाद में ये अपसाइड रैली, यहाँ पे भी डोजी देखोगे तो ये अपसाइड रैली। तो यहाँ पे भी अभी सिमिलर जो है, ये देखो यहाँ पे भी ये डोजी है, यहाँ पे भी डोजी है, जहाँ पे भी ये डोजी हमें मिली ये डोजी है, उसके बाद ये डाउनफॉल हमें मिला। तो ये मंथली का कैंडल है निफ्टी का, तो यहाँ पे भी अभी हमें एक डोजी मिली है, और ये डोजी का जो हाई है ये मार्केट ने अभी इसको क्रॉस किया है, लेकिन अभी ये मंथली कैंडल जो है अभी तक क्लोजिंग हमें मिली नहीं, तो ये कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा। तो मंथली में कहीं ना कहीं हमें बुलिश दिख रहा है। तो आज 25 फेब्रुआरी है, तो 1-2 दिन में हमें वीकली क्लोजिंग जो है मिल जाएगी, सॉरी मंथली क्लोजिंग जो है हमें मिल जाएगी 29 तारीख को, है ना, तो थर्सडे को मंथली एक्सपायरी आएगी 29 फेब को, तो उसी दिन हमें कंफर्म हो जाएगा मार्केट का डायरेक्शन। तो ये मंथली का व्यू था, एनालिसिस था, और ये वीकली में अगर देखोगे तो वीकली में कहीं ना कहीं ये वाला जो हाई है लास्ट वाला, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग मिली है, और ये काफ़ी अच्छी कैंडल हमें, एक हैमर कैंडल जो है हमें देखने मिल रही टॉप पे। और डेली में भी अगर देखोगे तो ये वाला जो पैटर्न है यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसका भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हमें देखने मिला है यहाँ पे। हालांकि डेली कैंडल में जो है नेगेटिव कैंडल बनी है, लेकिन वीकली और मंथली अगर देखेंगे तो बुलिश कैंडल है। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट नीचे आके फिर ऊपर मोमेंटम कर सकता है। तो हम यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में एनालिसिस कर लेंगे। पहले मैंने लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ करे हुए हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स होने वाले इंट्राडे के लिए। तो ये वाला जो हमारा पैटर्न था
का टारगेट हमें मिल चुका है। और यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट एक चैनल में यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे ये एक बड़ा सा चैनल है और ये जो फॉल आया था न्यूज़ बेस, इसराइल का जो न्यूज़ आया था उसी बेस पे ये फॉल आया था। लेकिन मार्केट बुलिश है, उसका साइन क्या है, ये इमिजिएटली सेकंड डे जो है इमिजिएटली रिकवरी उसने दिखाई तो फिर से ये चैनल में आ चुका है। और अभी अगर देखोगे तो इस चैनल का यहाँ पे साइडवेज जाके ये थोड़ा सा बेरिश इंट्राडे में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो चुका है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक देखोगे अगर तो ये वाला जो है एक डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो हो सकता है मार्केट इस लेवल तक भी कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिले। 22,130 का जो लेवल है ये, तो हम कल अगर मार्केट ट्रेडिंग सेटअप जो है हमारा कल के लिए क्या होने वाला है, तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है और 22,300 या 280 का जो लेवल है, 280 से 270 से लेके 280 का जो लेवल है, ये वाला जो मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, ये मैंने 2-3 दिन पहले ही मार्क करके मैंने अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया था। और ये वाला भी जो लेवल है ये येलो कलर में आपको जो दिख रहा है ये, और ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर मार्क करके दिया था। मैंने बैंक निफ्टी के भी लेवल्स दिए हुए थे और निफ्टी के भी लेवल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट शुरू होने से पहले मैंने ये लेवल दिए हुए थे 9 बजे। आप यहाँ पे अगर देख सकते हो 8:56:56 पे मैंने ये वाला अपडेट दिया था। और निफ्टी का अगर देखोगे ये 8:57 पे मैंने यहाँ पे दिया था, ये रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है ये वाला है। और मार्केट जो है इसी रेंज में घूमता रहा, ना नीचे आया ना इससे ऊपर जा पाया। ठीक है, तो ये वाला जो अपडेट्स है ये आप अपडेट पाने के लिए देखो, निफ्टी रेंज मैंने लिखा था 11:33 पे, ये जो मैं लेवल बोल रहा था आपको रेजिस्टेंस लेवल, तो इसी के रेंज इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहा। मैंने ये मार्क भी किया था कि यहाँ से निकलेगा तो रिटेस्ट पे बाय करके इस टारगेट ये वाला टारगेट तक हम रुक सकते हैं, और ब्रेक डाउन करेगा तो रिटेस्ट के बाद इस वाले टारगेट तक हम रुक सकते हैं। तो मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। निफ्टी अंडर सेलिंग प्रेशर भी मैंने ये बताया हुआ था 12:03 पे, क्योंकि मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा था। और 1:30 बजे अगर देखोगे तो यहाँ पे भी फिर से मैंने अपडेट दिया था कि अभी तक ये इसी रेंज में घूम रहा है, अगर इसको कहीं पर जाना है तो इस लेवल का ब्रेक डाउन या इस लेवल का ब्रेकआउट होने तक वेट करें, उसके बाद ही कोई पोजिशन बनेगा। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, तो ये वाला जो राइट हैंड कॉर्नर में जो QR कोड दिख रहा है आपको, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस चैनल से जुड़ सकते हो, तो लाइव मार्केट में आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए अभी कल के लिए बात कर लेते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट पूरे दिन जो है सेलिंग प्रेशर में रहा है, यहाँ पर अगर देखोगे तो पूरा दिन भर जो है मार्केट के पास सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद में अगर हमें कल का ट्रेडिंग प्लान अगर बनाना है, ट्रेडिंग के लिए कुछ लेवल्स अगर मार्क करने हैं, तो आप ये वाले जो लेवल्स है इसे मार्क कर सकते हो। मैं इसे एक बार यहाँ पे प्राइस लेवल लगा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो नीचे की साइड अगर देखोगे तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट टारगेट 21,230 का, और ये सेकेंड टारगेट होने वाला है 22,037 का। तो ये वाला सेकंड टारगेट होगा, और जो थर्ड टारगेट जो हमारा फाइनल टारगेट होगा 21,970 का आप पकड़ कीजिए लिए, ये वाला जो है हमारा थर्ड टारगेट होगा, ये वाला ये हमारा थर्ड टारगेट होगा 21,970। 60 का भी आप पकड़ के चल सकते हो, ये वाला थर्ड टारगेट होगा हमारा, और इसके नीचे निकलता है तो हम ट्रेडिंग करते हुए चलेंगे, तो 21,890 या आप 21,900 ये वाला फाइनल टारगेट भी आप, नेक्स्ट टारगेट भी आप इसे पकड़ के चल सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस ये वाला जो लेवल है जो कि आप मार्क कर सकते हो 22,200 का जो लेवल है, इससे अगर नीचे निकलता है फ्लैट ओपन होने के बाद,
तो ये वाले टारगेट आप मार्क कर सकते हो, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसी रेंज के अंदर घूमता है कुछ टाइम के लिए और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो 22,260 के ऊपर जो है, 60 या 70 के ऊपर ही हम कोई लॉन्ग पोजीशन कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो आप इसे मार्क कर सकते हो 70। ये वाला जो हाई है, ये वाला, इसके ऊपर आपको पोजीशन बनानी है। अगर आपको बुल साइड में कुछ कॉल साइड में पोजीशन बनानी है तो 22,270 के ऊपर ही आप कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हो, जिसका फर्स्ट टारगेट जो है ये वाला होने वाला है 22,300। ये आपका सबसे पहला टारगेट होने वाला है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, उस कुछ देर के बाद यहाँ से कुछ ब्रेकआउट देता है, तो आपका जो फाइनल टारगेट होगा तो ये होगा 22,380। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट होगा 22,400 से लेके 22,430। ये आपके होने वाले हैं निफ्टी के अंदर मंडे के लिए टारगेट्स। तो चलिए देखते हैं, अभी बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं हम, बैंक निफ्टी का क्या हुआ। बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे, निफ्टी में जैसे सेलिंग प्रेशर था पूरा, लेकिन ब्रेकडाउन जो है मार्केट ने दिया नहीं। यहाँ पे पूरे दिन साइडवेज एक रेंज में घूमता रहा। वैसे निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकडाउन दिया था और नीचे भी आया। तो ये वाले जो है इम्पोर्टेंट लेवल है, जो व्हाइट लाइन में आपको मार्किंग दिख रहा है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और मार्केट अगर ये वाला जो मैंने जोन मार्क किया हुआ है 46,978 से लेके 46,950 का जो जोन है ये वाला, इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो आपको ये वाले टारगेट देखने मिल सकते हैं। कल अगर फ्लैट ओपन होता है 46,730, 40 से लेके इसी जोन में अगर मार्केट ओपन होता है और नीचे निकलता है, तो ये वाला जो है 46,550 आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये वाला जो है, ये आपका होगा नेक्स्ट टारगेट, जो कि है 46,322। 22 से लेके 310 आप पकड़ के चल सकते हो, ये वाला टारगेट होगा आपका नेक्स्ट टारगेट। और उसके बाद जो है 46,210 का जो है आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, ये वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है, मैं इसे आगे कर लेता हूँ यहाँ पे। ये वाला आपका होगा, मैंने ये पीछे मार्किंग करके रखा हुआ था तो उसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये वाला जो है आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, और फर्दर अगर नीचे निकलता है तो मैं लाइव मार्केट में जो है आपको अपडेट देता रहूँगा। ये मार्किंग जो है मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है। अगर मार्केट ये फ्लैट ओपन होता है इसी जोन में, कहीं पे ओपन होता है और नीचे निकलता है, तो ये डाउन साइड के लिए आपके टारगेट है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद या गैप अप ओपन होता है इसी जोन में, जो कि है 46,970 से लेके 80, तो यहाँ पे जो है हम फ्रेश जो हमारा बाइंग पोजीशन है कॉल साइड के लिए, उसे हम कंसिडर करेंगे। जो 47,100 का जो लेवल है, इसके ऊपर ही हम यहाँ पे बुलिश साइड में पोजीशन बनाएंगे। अगर गैप अप ओपन होता है और इसी जोन में ओपन होता है 47,100 के आसपास, तो हम जो हमारा टारगेट होगा ये वाला जो है 47,300 10 का, ये वाला हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो है हमारा होगा 47,500। ये थर्ड टारगेट मीन्स ये आप फाइनल टारगेट मान सकते हो, क्योंकि ये राउंड नंबर भी है 47,500। तो यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन लेके फिर यहाँ पे एक करेक्शन कर सकता है या साइड में जाके क्लोज दे सकता है। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो आपके पास लेवल से फ्लैट ओपन होके डाउन साइड अगर निकलता है तो ये आपके पास लेवल से। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था मंडे मार्केट के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे अगर नए हो, पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। तो ये वाला जो है, ये मेरे चैनल का इंटरफेस है गोल्डन बुल्स नाम से, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का एनालिसिस वीडियोस, कुछ शेयर के एनालिसिस वीडियोस, कुछ मल्टीबैगर शेयर जो होते हैं पोर्टफोलियो के लिए उनका एनालिसिस वीडियोस, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं।
और ये सब जो है कुछ इंडिकेटर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और ये सब जो है ये सब चीज़ें जो है ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप इसका फ़ायदा पूरा उठा सकते हो। आप अपने ट्रेडिंग करियर में, इस ट्रेडिंग जर्नी में, इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आप इस चैनल को जो है यहाँ पे अगर देखोगे, बहुत सारे वीडियो जो है मैंने शेयर्स जो एनालिसिस वीडियो होते हैं उनके डाले हुए हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का एनालिसिस वीडियो यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। तो आप इस सब चीज़ों का जो है फ़ायदा उठा सकते हो चैनल से जुड़ के। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।